आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम टू डाउटनेट। क्वेश्चन इज द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड चार्ज टू 60 माइक्रोकूलम आर जॉइंड टुगेदर बाय अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम एट टी इक्वल्स टू जीरो। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द सर्किट एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू 30 माइक्रोसेकेंड, टी इक्वल्स टू 120 माइक्रोसेकेंड एंड टी इक्वल्स टू 1 मिलीसेकेंड। सो इस क्वेश्चन में कैपेसिटर की जो वैल्यू दी गई है वो 10 माइक्रोफेराड है एंड चार्ज की जो वैल्यू दी गई है क्यू जीरो वो है 60 माइक्रोकूलम। ओके, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओहम। सो यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट मिलेगा हमें, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी टू इक्वल्स टू क्या होता है आर सी। सो आर इज 10 एंड सी इज द 10 माइक्रोफेराड, देन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो 100 माइक्रोसेकेंड होगी। ओके, सो दिस इज द टाइम कॉन्स्टेंट। वी हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट टी इक्वल्स टू जीरो के लिए चार्ज जो होगा वो कैलकुलेट करेंगे। चार्ज की वैल्यू जो होगी वो होगी क्यू जीरो ई रेस टू माइनस टी बाई टू। ओके, सो यहाँ पे क्यू जीरो की वैल्यू जो है वो 60 है। ई रेस टू माइनस टी इक्वल्स टू जीरो के लिए हम देख रहे हैं तो माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ई रेस टू जीरो जो होता है वो 1 होता है। सो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू मिलेगी वो होगी 60 माइक्रोकूलम। सो ये फर्स्ट केस है। सेकेंड के लिए एट टी इक्वल्स टू 30 माइक्रोसेकेंड्स के लिए देखते हैं क्यू की वैल्यू जो होगी वो 60 ई रेस टू माइनस 30 डिवाइडेड बाय 100 होगी। सो इट मीन 60 ई रेस टू माइनस 0.3। सो 60 डिवाइडेड बाय ई रेस टू 0.3। सो 60 डिवाइडेड बाय ई रेस टू 0.3 की वैल्यू होती है 1.349। सो ये जो आंसर मिलेगा चार्ज का वो होगा 44.64 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट थर्ड केस में हमें बोला है टाइम टी इक्वल्स टू 120 माइक्रोसेकेंड के लिए चार्ज फाइंड आउट करना है। सो जो क्यू है इट इज़ इक्वल्स टू 60 ई रेस टू माइनस 120 डिवाइडेड बाय 100। सो इट विल बी इक्वल्स टू 60 ई रेस टू माइनस 1.20 ई रेस टू माइनस 1.20 ऐसे वैल्यू मिलेगी। इट मीन 60 डिवाइडेड बाय ई रेस टू 1.2 की वैल्यू हमें लेनी है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 60 ई रेस टू 1.2 की वैल्यू जो होती है वो 3.32 होती है। सो यहाँ पे जो चार्ज मिलेगा वो कितना होगा 18.07 माइक्रोकूलम इतना होगा। एंड लास्ट केस में टी इक्वल्स टू 1 मिलीसेकेंड के लिए चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सो 1 मिलीसेकेंड मीन्स हाउ मच 1000 माइक्रोकूलम। सो ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे टी के लिए क्यू इक्वल्स टू 60 ई रेस टू माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 100। सो इट विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस 10, राइट। सो 60 डिवाइडेड बाय ई रेस टू 10 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमें कितनी मिलेगी 0.003 माइक्रोकूलम इतनी मिलेगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर गिवन क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।